इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई निकालना है फिर से ऑन इक्वेटोरियल लाइन, और इससे पहले मैं आगे चलूं, एक्सियल लाइन का दूसरा नाम क्या है? एंड ऑन पोजीशन, तो ये भी आ जाता है, एक्सियल लाइन या एंड ऑन पोजीशन एक ही बात है। तो उसी तरीके से ई आपको निकालना है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब डायपोल की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, ये डायपोल है इसकी 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन या ब्रॉड साइड पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब ब्रॉड साइड पोजीशन, ठीक, ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसके अंदर ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, आर डिस्टेंस, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस कहाँ से लेने हैं? फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। तो आर डिस्टेंस में मुझे ई निकालना है, जहाँ ई निकालना है चार्ज प्लस वन, यही करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, ये क्यू इस प्लस वन को क्या करेगा? रिपेल। ई आएगा यहाँ पे, तो ये ई की वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर, और ये माइनस क्यू प्लस वन को क्या करेगा? अट्रैक्ट, तो इधर ही आएगा। और ऐसे अब क्वेश्चन में आपको रट गया होगा, ये एंगल थीटा थीटा लेना होता है, फिर ये ऑल्टरनेट से थीटा, ये कॉरस्पॉन्डिंग से थीटा, ई के कॉम्पोनेंट लेने होते हैं ई कॉस थीटा, और ऐसे ई साइन थीटा, उसी तरीके से इसका कॉम्पोनेंट ई कॉस थीटा, और उसी तरीके से ये क्या? ई साइन थीटा। तो ये क्या हो गया? आपस में कैंसल नेट आंसर आएगा। तो यही किया हुआ है मैंने, चेक करो, ये देखो ये प्लस वन लिया मैंने, इस क्यू ने प्लस वन को रिपेल किया, इस माइनस क्यू ने प्लस वन को अट्रैक्ट किया, थीटा थीटा सेम, थीटा थीटा सेम, ये डिस्टेंस मैंने बता दिया आपको। ई के दो कॉम्पोनेंट है, ई कॉस थीटा ई साइन थीटा, ई के दो कॉम्पोनेंट है, ई कॉस थीटा ई साइन थीटा, साइन कॉम्पोनेंट आपस में कैंसल, नेट ई की वैल्यू 2e cos थीटा। ई की वैल्यू 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर, और cos थीटा यहां से निकाल लो a upon this, अंडर रूट स्क्वायर कैंसल, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा रेज टू पावर 3/2, क्यू इंटू 2a ऊपर आ गया, जिसको क्या लिख सकते हैं? p। तो फॉर्मूला दर्ज करना रजिस्टर के अंदर, जहां लिख रहे हो इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला डायपोल का, ये रहा, ठीक है यहां तक इक्वेटोरियल। और अगर शॉर्ट डायपोल हो, शॉर्ट डायपोल में आर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए, ए बहुत छोटा है, आर बहुत बड़ा है, तो आप ए को निगलेक्ट कर दें, तो आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, आंसर क्या आएगा? 1/4πε0p/r³। वैसे बढ़िया फॉर्मूला है, क्योंकि एक्सीएल के अंदर फॉर्मूला क्या आया था? 2π/r³। इक्वेटोरियल में फॉर्मूला क्या आया? सिर्फ p/r³। तो इक्वेटोरियल में, शॉर्ट डायपोल में एक्सियल से वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसमें भी, ये पेपर में आता है कि अगर ये डायपोल है, ये p वेक्टर डायपोल मोमेंट है, नेट आंसर 2e cos थीटा लेफ्ट की तरफ आया, तो ये p वेक्टर और नेट e वेक्टर में जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, तो एंगल क्या होगा p वेक्टर और e वेक्टर में? 180, तो ये एंगल 180। तो एक्सियल लाइन में P और E में एंगल क्या है? 0। इक्वेटोरियल में एंगल क्या है? 180। क्लियर है? दो फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएंगे, एक एक्सियल का 2π/r³, एक इक्वेटोरियल का p/r³, ये याद रखना है आपने।